नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने में भी सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनावी रैली भी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित छोटे दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना जाति समीकरण तय करने में जुट गई हैं। इसको लेकर कांग्रेस से लेकर बसपा तक और सपा से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक सभी राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी मजबूती में जुट गई हैं। इसको लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे आखिर 2022 के चुनाव में क्या है उनका चुनावी मूड। सर, क्या नाम है, इसके चुनाव में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि पिछले चार सालों में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का योगदान रहा प्रदेश में, चाहे सुशासन को लेके चाहे और भी कामों को लेके, हम लोग का डेफिनेटली 100% वोट उन्हीं की तरफ है। उन्हीं को दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कोई और च्वाइस ही नहीं है जनता के पास। महंगाई पिछले चार सालों में लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो महंगाई हो, और भी तमाम चीज़ें, ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार कई मुद्दों पर विफल रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जहाँ तक महंगाई की बात है, बहुत सारे लोग इस पर तर्क वितर्क करते हैं। हमारा ये मानना है कि पिछले 10 साल पहले जो पेट्रोल डीजल हो चाहे और भी चीज़ों का रेट हो, प्लस आदमी की करंट इनकम उस समय क्या हुआ करती थी, क्या उसमें ग्रोथ नहीं हुई है? जाहिर सी बात है, इनकम बढ़ी है, सारी चीज़ों का रेवेन्यू बढ़ा है, और तो जो भी टर्नओवर चीज़ें होती हैं महंगाई और जो भी चीज़ें हैं उसी के आधारित चलती हैं। जब आदमी की इनकम बढ़ेगी तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ा है, तो महंगाई कहने के लिए है, एक्चुअल में देखा जाए तो महंगाई नहीं है। अभी पेट्रोल रिवाइज हो गया है, अभी न्यूज आ रही है कि और हो सकता है, और भी रिवाइज हो सकता है पेट्रोल डीजल का रेट। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना कर सकती है वो कर रही है 100%। और रही बात, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, हमारे देश का जो विकास हो रहा है, जिस तेज़ी से विकास हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत महंगाई का कष्ट झेलना भी पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। योगी जी के वो कौन से चार ऐसे काम हैं, कोई भी चार काम? सबसे पहली बात तो जो उनका गुड गवर्नेंस की बात करें अगर हम, तो जो भी एक क्रिमिनल लेयर हुआ करता था समाज में वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। हमारे, मैं आजमगढ़ ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे अगर केवल बात की जाए तो पिछले चार सालों में 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं। तो बहुत सारे क्रिमिनल थे जो अब एकदम से नेस्तानाबूद, उनका सारा साम्राज्य खत्म हो गया है। एक तो इनका ये हो गया कि सुशासन की जो वो बात करते हैं उसमें बहुत 100% वो उसमें इफेक्टिव रहे हैं। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो आप सड़क से बात करें, आप हाईवे से बात करें, हाईवे हमारे यहाँ डेवलप हुए हैं। इसके अलावा सारे समाज को लेके जो भी बेहतर हो सकता है, इवन कोरोना काल में बहुत सारे मुख्यमंत्री या बहुत सारे सांसद विधायक अपने क्षेत्र में नहीं गए, लेकिन हमारे योगी जी पूरे 75 जिलों, इवन जो भी 80 संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ तक भ्रमण किए हैं। तो इतना फास्ट तरीके से, इतना अच्छे तरीके से जो कंट्रोल किया उन्होंने कोविड को लेके, वो भी बहुत काबिले तारीफ़ है। इसके अलावा बात करें, हमारा जो अयोध्या में डेवलपमेंट शुरू हो गया, जो कि एक हम लोग के लिए बहुत ही पुराना इशू था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि और भी किसी और धर्म के लिए कोई उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, उनको भी अलग से उन्होंने मैनेज किया सारी चीज़ें, गवर्नमेंट ने किया सब कुछ किया। तो एक मंदिर को देख के तसल्ली हुई, पहले दिवाली या देव दिवाली होती थी तो उसका कुछ चर्चा नहीं होता था, लेकिन आज हमें बड़ा फख्र महसूस होता है, बड़ा प्राउड फील होता है कि हम लोग वाकई में हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पर इस तरीके का काम हो रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर 2022 के चुनाव को लेकर क्या है उनका मुख्य है। भैया क्या बताएं, दिल के हालात क्या बताएं, चिल्ला समझ सकते हैं मगर कह नहीं सकते किसी से, और ये सबके हाल यही हैं। जो हमारे दुकान पे जो भी आता है, हम आया अंडा रोल खाने, इतना महंगा, अरे इतना महंगा मैंने कहाँ किया भैया, आगे महंगा हुआ है तो हमने भी महंगा किया है, मगर लोग मानते नहीं भैया, क्या करें, मगर सरकार है तो करना। 2017 से पहले महंगाई नहीं थी, महंगाई इतनी नहीं थी कि जो हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हम क्या काम कर रहे हैं, क्या बचा रहे हैं, उससे पहले हम क्या बचा रहे थे ये हम ही जान सकते हैं, हम किसे क्या बता देंगे। किससे मूड है इस बार, किसको वोट देंगे, क्या लगता है इस बार किसे वोट देंगे, मायावती या अखिलेश, इन्हीं दोनों में से? इन्हीं दोनों में से। अच्छा, अखिलेश जी के कोई भी चार ऐसे काम बता दीजिए जो उन्होंने 2017 से पहले किए। अरे अखिलेश यादव ने ये मेट्रो चलाई, उद्घाटन उन्होंने किया है, बाकी वो अस्पताल बनाया या लोग बंधु का तमाम, ये गोमती नदी जो है उसका काम करा है उन्होंने, साफ सफाई करवाई है, और कुछ काम है जो हमें याद नहीं है मगर काम किया है उसने, कुछ काम किया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे
गरीबों को पेंशन दी अखिलेश ने, और उसको क्या कहते हैं बूढ़ों को 60 साल वालों को पेंशन दी। और अब जो है, अब तो इतनी भूखमरी है, इतनी भूखमरी है कि मोदी जी ने सब कुछ खा गए, कुछ नहीं बचा कि बेचारे ठेला वाले और जो फैक्ट्रियों में काम करते थे और कंपनियों में काम करते थे वो भी बेरोज़गार हो गए। लॉकडाउन लगा करके उनको सबको घर में बिठा दिया, दोबारा उनको नौकरी नहीं मिली। वो बेचारे जो घर में जमा हुआ पैसा रखा हुआ था वो भी निकाल के बेचारे। मोदी जी ने भी तो महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए हैं। मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया भैया, मोदी जी ने सिवा धोखा सिवा धोखा सिवा धोखा। आज तुम्हारे बैंक में 1000 रुपये आएंगे, तुम्हारे 2000 आएंगे, वो आज तक ना दिखाई दिया, इतना वो गलत बोलते थे, कुछ भी नहीं किया। तो 2022 के चुनाव में किसको मुख्यमंत्री देख रही हैं? हम भैया यही अखिलेश को अपने चुनेंगे। अखिलेश यादव जी से खुश हैं? पक्का। जैसा कि लोगों का कहना है महंगाई को लेकर और तमाम ऐसी ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार विफल रही है, इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं रोष है। हमारे साथ और लोग भी कुछ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम इमरान है। 2022 के चुनाव में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? वैसे तो ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जितनी भी सरकारें रही हैं कुछ गुड पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ बैड पॉइंट्स भी होते हैं। अब योगी जी के सरकार में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं, हालांकि अखिलेश यादव की सरकार में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई थी। योगी जी की सरकार के 3 गुड पॉइंट और 3 बैड पॉइंट। सबसे पहले तो जितना भी अभी लॉकडाउन लगा था उसमें योगी सरकार ने अभी फ्री राशन दिया है गरीबों को, और जितना भी लेबर क्रास था उसको लेके योगी सरकार आगे स्टेप उठा रही है। और सेकंड थिंग, जितना भी जैसे गवर्नमेंट में गवर्नमेंट काम कोई भी इंसान करवाने जाता था तो पहले उसको घूसखोरी का सामना ज़रूर करना पड़ता था, तो अभी वो चीज़ें सब कुल मिला के कम हुई हैं। और आप जानते ही हैं, और बाकी देखा जाए तो जनता का माहौल अभी थोड़ा महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, महंगाई ज़रूर है। जैसे अभी आप तेल की बात करें, आटे की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो महंगाई तो है, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सारी सरकार में रहती है और इसका जो कष्ट झेलना पड़ता है वो हमें जनता को झेलना पड़ता है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने भी अच्छा काम किया था। उन्होंने सबसे पहले तो छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे थे, हालांकि लखनऊ में बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, और साथ में मेट्रो चलवाई, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया उन्होंने, और लखनऊ को पूरी तरीके से डेवलप किया हुआ है। हाँ, मे बी विकास दिख रहा है। पिछले 5 सालों में कितना विकास दिख रहा है आपको? हाँ, विकास हुआ है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अखिलेश यादव थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम जी। योगी सरकार तो कह रही है कि उन्होंने खूब सारा विकास किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, तमाम तरह के ऐसे कई शिलान्यास किए। हाँ, जैसे अभी आया था, कुछ खबर आई थी कि हाँ वहाँ पे मोदी जी भी आए हुए थे, प्लेन उतरे थे। हाँ, ये सब चीज़ें तो अच्छी हुई हैं। पूर्वांचल का आदमी जो यहाँ से काफ़ी मुश्किलों से पहुँचता था सफ़र वफ़र करके, अभी यहाँ पे एकदम हाईवे से सीधा पूर्वांचल पहुँच सकता है 6-7 घंटे। पिछले 5 साल में विकास को किस तरह से देख रहे हैं? विकास पे ही हमको बात, अभी जब भाई साहब हमारे बात कर रहे थे, तो आप चाहे अखिलेश का शासन हो चाहे मायावती जी का हो, मायावती जी ने कुछ, चाहे अखिलेश हो, उन्होंने स्पेसिफिक क्षेत्र में काम किया है। जैसे अखिलेश जी का जो क्षेत्र हुआ करता तो वहाँ पर डेवलपमेंट सैभई वगैरह जाके देख ले, अच्छा डेवलपमेंट हुआ नो डाउट। मायावती जी का देखा जाए तो नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन योगी जी के अंदर एक खास बात ये रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग विजिट करते होंगे तो आप जाएंगे देखेंगे, चाहे शौचालय से लगाई, सड़क से लगाई, हर चीज़ जो भी केंद्र की योजनाएं थी उनका 100% इम्प्लीमेंटेशन अगर 100% किया देखा जाए तो योगी जी ने किया है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनकी तमाम चीज़ों की और उनकी सारी चीज़ों के फीते काट रहे हैं। ऐसा नहीं है, अखिलेश जी कोई भी गवर्नमेंट आती है, अगर पिछली सरकार में अगर कोई शिलान्यास हुआ है तो कंप्लीट करने का काम तो अगली गवर्नमेंट का ही है ना, अगर वो कर रही है कंप्लीट कर रही है तो फीता भी तो वही काटेगी। अब ऐसे देखा जाए तो इसका मतलब उन्होंने शिलान्यास किया तो अब ये 5 साल उस काम को बंद कर दिया जाए, अब ये दूसरा काम शुरू करें, उसका शिलान्यास करें, उसका उद्घाटन करें, तब देखा जाए, तो ये इलॉजिकल बातें हैं, कहीं ना कहीं ये मेच्योरिटी की बात नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि शिलान्यास ठीक है, मैं मानता हूँ उन्होंने योजना एक शिलान्यास किया, लेकिन जो आदमी उसको बनवा के डेवलप करके इतना तेज वो भी फास्ट तरीके से किया और अच्छे तरीके से, और तो उसका उद्घाटन वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या अखिलेश जी को दोबारा से बुलाया जाए उसके लिए? जैसा कि लोगों का साफ तौर से ये कहना है महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है, बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर
कहीं ना कहीं लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश हैं। अब देखने वाली बात यह होगी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की सीट पर कौन विराजमान होता है। लखनऊ से अजहर खान, प्राइम टीवी। जैसे कि आपको बता दें कि 2022 इलेक्शन को लेकर जो जनता के समर्थन के लिए कई पार्टी जा रही हैं, उनको लुभा भी रही हैं, क्योंकि 2022 मिशन में है ना बहुमत से जीत चाहती है हर पार्टी कि हमारा 2022 मिशन है वो कामयाब हो, जिसको लेकर आज चुनावी चर्चा को लेकर आज हमारी प्राइम टीवी की टीम है वो आज जनता के पास पहुंची है और वहां देखेंगे, इनसे जानेंगे कि 2022 में आखिर किसको वोट करना चाह रहे हैं और क्या कुछ सरकार ने विकास कार्य कराए हैं इनके गाँव के लिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है प्राइम टीवी में, क्या नाम है आपका? पूरन सिंह जी, ये बताइए जैसे 2022 चुनाव चल रहा है इसमें किस पार्टी को आप वोट करना चाह रहे हैं और किसने आपके गांव के लिए विकास कार्य करवाया है? हमारे यहाँ तो जो भी विकास हुआ है वो विधायक सरजीत सिंह ने सपा पार्टी से कराया है और उन्हीं करेंगे, दूसरी जगह जाने का औचित्य नहीं है हमारा। वैसे यहाँ भाजपा कार्य का काल चला है लगभग 2014 से, उन्होंने कुछ कार्य विकास कार्य करवाए भाजपा ने? एक पला मिट्टी ने डलवाई क्षेत्र में, हमारी पूरी गांव सभा में एक पला मिट्टी ने डलवाई भाजपा। जैसे कि सरकार तो कह रही है कि हमने कई विकास कार्य गांव गांव जाकर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, गांव गांव में विकास कार्य की जो है हर जगह स्वच्छ अभियान है, कई तरीके के अभियान चलाकर उनको पहुँचाए हैं जनता तक है, वो केवल हवाई बातें हैं, कागजों पर घोड़ा दौड़ रहे हैं, जमीन पर कोई दिखाई नहीं दे रहा जी। यानी कि जो भी विकास कार्य हैं वो समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता यहाँ के जो हैं सरबीर ने, उन्होंने करवाए हैं, उन्होंने करवाए। हमारे साथ एक और जुड़े हैं भाई साहब, इनसे जाने कि 2022 में किसको वोट करना चाह रहे हैं, किसको वोट करेंगे आप? सरबीर सिंह। अच्छा, सरबीर ने आपके गाँव में क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं? सड़कें कराई हैं, नल लगवाए हैं, सीसी काम कराया है, यही काम कराया उन्होंने जी। तो यानी कि वोट आप उनको समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के सरबीर हैं उनको वोट करेंगे? और वैसे यहाँ पर भाजपा कार्यकाल में अभी तक क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? कुछ हुआ ही नहीं भाजपा कार्य में, अब कुछ विकास ही नहीं हुआ इसमें, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ इसमें। और हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, इनसे जानेंगे आपके क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य करवाए भाजपा ने? तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों ने बताया कि जो यहाँ विकास कार्य है वो समाजवादी पार्टी ने यानी कि सरदवीर जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने करवाए हैं, यहाँ पर भाजपा कार्यकाल जब से शुरू हुआ है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा विकास कार्य इस जनहित के लिए गांव तक नहीं पहुँचाया। आज जो हमारी प्राइम टीवी की टीम है वो 132 विधानसभा जलालाबाद के यानी कि गाँव गढ़ी गाँव खजरी में पहुंची है, जहाँ लोगों से चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है 2022 में, किसको वोट करना चाह रहे हैं और क्या कुछ उनके मूड में इस समय चल रहा है दिमाग में। तो मेन चीज होती है सबसे पहले जनसेवा केंद्र पे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण लोग एकत्रित होते हैं, तो शुरुआत आज हमारी जनसेवा केंद्र से हुई है, जहाँ जनसेवा केंद्र पे कई माताएं बहनें भी इकट्ठी हुई हैं और बुजुर्ग लोग युवा लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि 2022 को लेकर किसको वोट करेंगे। तो क्या नाम है? रामवरण सिंह जी, बताइए 2022 में किसको वोट करेंगे आप? वैसे मोदी सरकार बढ़िया है लेकिन थोड़ी गाय के लिए परेशानी है, गाय के लिए रखवाली के लिए दिक्कत हो रही है, वैसे मोदी सरकार सही है। अच्छा, मोदी सरकार ने और क्या कुछ कहा कराया है आपके विकास कार्य के लिए? विकास कार्य के लिए फिर भी अच्छा कार्य किया, बिजली भी दी है और थोड़ी लाइट की इधर प्रॉब्लम चल रही, वैसे लाइट भी सही चल रही है। इधर विधायक कौन है इसमें? विधायक ने आपके गांव में विकास कार्य क्या कुछ कराए हैं? विधायक जो है सरदवीर, तो उनका विकास तो अभी तो हमारे कोई नजर में है नहीं, खरंजा मतलब कराया। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि 2022 में किसको वोट करेंगे? मैं 2021 में मैं बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम लोगों के सामने यही परिस्थितियां हैं कि गायें बहुत हैं, इनका कुछ संशोधन करा दिया जाएगा और मेरे यहाँ सरदवीर ने कोई विकास नहीं कराया। वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने आपके गांव के विकास कार्य कुछ जरा सा भी कोई विकास कार्य नहीं करवाया? कार्य नहीं कराया है, जो कि वे वर्तमान विधायक होते हुए उन्होंने कोई भी कार्य नहीं कराया है,
इसलिए मोदी सरकार अच्छी है, लेकिन गांवों की समस्या उनसे अनुरोध करेंगे सरकार से कि ये समस्या को दूर करें। और भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि 2022 में किसको चुनाव जिताएंगे और क्या इनके दिलो दिमाग में चल रहा है इसमें 2022 को लेकर। सबसे पहले आपका प्राइम टीवी में स्वागत है, क्या नाम? राजीव सिंह। राजीव जी बताइए 2022 में आप किसको वोट करना चाहेंगे? बीजेपी को वोट करूंगा। ऐसा क्या है जो बीजेपी कार्यकाल ने बीजेपी को लोग यहाँ पर ज्यादा लोग देखे जा रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट? बीजेपी ने जितने भी विकास कार्य किए बीजेपी कर रही है, शौचालय है, आवास है, किसान सम्मान निधि है, रोड है, ऐसे तमाम काम जो है बीजेपी कर रही है और किए रही है और फ्री में गल्ला भी दे रही है और इसलिए बीजेपी वोट कर। और हमारे साथ एक बाबा जुड़े हैं, उनसे जाने की बीजेपी 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 पहले तो राम मंदिर की समस्या जो है इस तरीके से सुलझा दी उन्होंने कि हिंदू मुसलमानी का कोई चक्कर ही नहीं आया। हम लोग यही सोचते थे कि अवश्य हिंदू मुसलमानी चलेगी, लेकिन हिंदू मुसलमानी का कोई चक्कर ही नहीं आया। दूसरी बात ये है कि हमको 15 दिन के अंदर में अनाज मिलता है, गरीब आदमियों की रोटियां चल रही हैं और भी मिलने वाला है। अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, थोड़े दिनों को वो कुछ संशोधन किया जाएगा। हमारे लिए गायों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गौ वंश से परेशानी है। गायों का जो राष्ट्रीय बनाए पशु कुछ भी बनाए, लेकिन उनके बछड़े जो आए प्रतिबंधित ना किए जाए, क्योंकि हमारी बिक्री बछड़ों की होती रहेगी तो हम गायों को पाल लेंगे। हमारे साथ एक और माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर 2022 में किसको वोट करना चाहेंगे? मोदी की सरकार चौमास में लाट कतई बिल्कुल ना देते हैं, आदमी का खाए कम मर जाए। विधायक यहाँ जो है सरदवीर हैं, उन्होंने आपके गाँव में कोई विकास कार्य करवाए हैं? विकास करवाए हैं, अब जा तो लड़का मने मालूम है, हमें क्या मालूम है, मंदिर बैठे। आप 2022 में वोट किसको करेंगे चुनाव, भाजपा को करेंगे या समाजवादी को, किसको? जिसे लड़का दिए और मनाई दिए तिसाई घूम दिए। एक और हमारे साथ महिला जुड़ी हैं, उनसे जानेंगे कि 2022 में किसको वोट करना चाहेंगे? भाजपा को करेंगे। भाजपा के लिए वोट करोगी? जैसे कि अभी यहाँ पे जितने भी युवा बुजुर्ग थे महिलाएं, तो उनका कहना है कि 2022 में यानी कि बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि जो बीजेपी ने कार्यकाल कराए हैं वो आज से 25 साल वर्षों तक पीछे देखा जा रहा है तो नहीं किए गए हैं। लोगों को जो राशन की सुविधाएं दी है, मकान दिया है और शौचालय दिए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो कार्यकाल है वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं और हमेशा उनके विकास कार्य के ऊपर घुसता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं बीजेपी को सपोर्ट करते जा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन के साथ आर्यनर पाल सिंह, प्राइम टीवी, शाहजहांपुर। तो आपने जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है, कई बदलाव हो सकते हैं और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।